हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ श्रेया दे सरकार। और मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो ट्रिक कुछ इस तरह है, आपको पहले देखना है 50 से ये जो नंबर यहाँ पे दिया है ये कितना बड़ा है। दो बड़ा है मतलब टू ज्यादा है, ये 52 है, 50 से ये टू ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, टू ज्यादा है इसलिए हम टू का स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे। टू का स्क्वायर आपका फोर होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो डिजिट में नंबर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 04 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इस फाइव का स्क्वायर करना है। फाइव का स्क्वायर 25 होता है। अब 52 कितना बड़ा था, दो बड़ा था, तो हम क्या करेंगे 25 प्लस 2 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम पुट कर देंगे 25 प्लस 2 27 और हमारा स्क्वायर 52 का आता है 704। ये आपका आ गया स्क्वायर 52 का। बहुत इजी है। इसी तरह से आप 53 का भी कर सकते हैं। 50 से 3 ज्यादा है तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 09 निकलेगा, यहाँ पे लिख देंगे 09। 5 का स्क्वायर आपका आता है 25, तो 3 ज्यादा था तो 25 प्लस 3 28, यहाँ पे 28 लिख देंगे और ये आपका आंसर आ गया। अब हम 50 से नीचे वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 48। अब 48 50 से 2 कम है तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके लिखेंगे 04। अब क्या करना है, अब 25 मतलब 5 के स्क्वायर से हमें 2 माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 23। तो हमारा आंसर है यहाँ पे 2304। बहुत ही ज्यादा इजी है। इसी तरह से आप 47 का भी कर सकते हो। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है तो हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे 09। अब 25 से हम 3 माइनस कर देंगे, 22 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। अब 56 में क्या करना है, 56 ज्यादा है 50 से तो 6 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे 36 और 50 से 6 ज्यादा था तो हम क्या करेंगे 25 के साथ 6 प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 31 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3136 आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी है। उसी तरह से हम 43 का भी करेंगे। 43 50 से कितना कम है, 7 कम है तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 49। अब हम क्या करेंगे, 25 से 7 माइनस कर देंगे। 25 से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी कि आपका आंसर है 1849। देखा कितना ज्यादा इजी है। आई होप आपको ये इजी ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। आपने वीडियो जरूर एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ मैं अपने आप वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।